हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना ऑपरेटर आईडी से जो आयुष्मान कार्ड है उसको किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आयुष्मान ऐप को ओपन करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आप लॉगिन एज में ऑपरेटर चूज़ करेंगे। उसके बाद नीचे आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या यूज़र आईडी फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, वहीं पर अपनी यूज़र आईडी मोबाइल नंबर को फिल करना है। साइड में वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑथ मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ऑथ मोड में आपको मोबाइल OTP को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, कॉपी करके आपको नीचे फिल करना है। OTP फिल करने के बाद नीचे कैप्चा कोड दिया है उसको फिल करना है और साइड में लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सर्च फॉर बेनिफिशियरी का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहां पे सबसे पहले अपना जो स्टेट है उसको सिलेक्ट करना है। नीचे स्कीम दी हुई है, सिलेक्ट स्कीम पर आपको PMAJY को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सर्च बाई का ऑप्शन है, यहाँ से आप आधार नंबर को सिलेक्ट कर लें। जिनका भी आयुष्मान कार्ड बन चुका है उनका आधार नंबर फिल करेंगे तो आपका आयुष्मान कार्ड है लिस्ट है वो सर्च में आ जाएगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पर अपने क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेंगे। नीचे आपको आधार नंबर फिल करना है, फिर नीचे सर्च का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे आपकी जो फैमिली आईडीज हैं वो देखने को मिल जाएंगी, जिनमें जिस मेंबर का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उस पर डू EKYC के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे नीचे वाले पर क्लिक कर देता हूँ DEKYC। उसके बाद का आपके सामने कुछ इस तरह का EKYC का पेज खुलेगा, जिसमें आपको मेंबर का नाम है वो देखने को नीचे मिल जाएगा। उसके बाद EKYC करने का यहाँ पे मोड मिल जाएगा, आप आधार OTP के माध्यम से करें या फिंगरप्रिंट के माध्यम से, वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार OTP के माध्यम से कर रहा हूँ। आधार फिल करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद कंसेंट आएगा, इसको आप टिक करेंगे। उसके बाद अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा और आपके ऑपरेटर मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। दोनों OTP कॉपी करने के बाद आपको फिल कर देने हैं। फिल करने के बाद ये ऑटोमेटिक प्रोसीड होगा। यहाँ पे आपके सामने फिर एक बेनिफिशियरी का फोटोग्राफी के लिए आएगा, तो आपको ऊपर फोटोग्राफी को क्लिक करना है। नीचे आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन का पेज मिलेगा, यहाँ पे आपको डू यू हैव मोबाइल नंबर, अगर है तो ठीक है, यस पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन ऑफ हेड फैमिली मेंबर, तो यहाँ पे वाइफ हैं। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको जो मेंबर की डेट ऑफ बर्थ की जो ईयर है उसको यहाँ पे टिक करना है। नीचे आपको यहाँ पे पिन कोड फिल करने का ऑप्शन आएगा, पिन कोड को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे रूरल है या अर्बन क्षेत्र से उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र से रूरल है सिंपली, उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको सब डिस्ट्रिक्ट यानी अपना जो ब्लॉक है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो गांव है उसको सिलेक्ट करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, उससे पहले सारी जानकारी को आप चेक कर लें। सारी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो आयुष्मान कार्ड है उसका रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, पेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। ये आपका कार्ड है वो पेंडिंग में चला गया है, 2 से 1 दिन में आपका जो कार्ड है वो बनकर
आ जाएगा। सो दोस्तों, इस तरह से आप अपना जो आयुष्मान कार्ड है ऑपरेटर आईडी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद है। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।